देखिए, यह है एलईडी 24 इंच का, जो कि एलईडी ऑन दिखाता है लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आता है। तो आइए चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम, डिटेल जानते हैं इसकी। देखिए, इसका जो इन्वर्टर बोर्ड है ओरिजिनल, इसमें प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये इसका डिस्प्ले चालू नहीं है। इसका कार्ड ओके है, कार्ड से डिस्प्ले वगैरह टीवी ऑन होती है, लेकिन इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन की बैक लाइट वगैरह इससे ऑपरेटिंग होती है, तो ये ख़राब है। तो इसकी जगह हम लोग आज दूसरा इन्वर्टर डालेंगे। देखिए, ये इन्वर्टर इसका आपका यह आएगा, यूनिवर्सल इन्वर्टर बोर्ड है। ये 12 वोल्ट से आपको 70 वोल्ट तक बना देता है, तो ये 24 इंच के लिए परफेक्ट बैठता है। इससे अगर ज़्यादा बड़ी हो तो ये सेट नहीं होगा, 32 इंच या 40 इंच में ये नहीं लगेगी। तो हम लोग इसको आज इस टीवी में सेट करते हैं। चलिए, इसका वायरिंग हमने किया है, तो देखिए अब ये 12 वोल्ट इनपुट है, ये ग्राउंड है, चलिए हम इसको अब ऑन करके देखते हैं। देखिए, ये हो गया ऑन इसका, मतलब इसका एक बैक लाइट वगैरह कंप्लीट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर बोर्ड की प्रॉब्लम थी, जो हमने इसका ये ओरिजिनल से इसमें ले लिया है, इससे हम लोग आगे सप्लाई दे दिए, तो इसी तरह से ये कम्प्लीटली भी चालू है। देखिए, इसका कंप्लीट चल रहा है, कोई तो ये है 24 इंच का एलईडी है। अगर 32 का हो तो हम लोग इसमें, 32 या 40 हो तो ये इन्वर्टर बोर्ड लगता है गोल्डन यूनिवर्सल, जो कि 80 वोल्ट तक निकलता है इसमें से, 12 से 24 कैपेसिटी है इसकी इनपुट, और आउटपुट है 70 से 80 वोल्ट। तो बड़ी अगर एलईडी हो, उसमें अगर स्क्रीन नहीं आती हो, तो उसकी वजह से ये बैकलाइट में लगता है।